जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, मैं बनारस टू LTT मुंबई। अभी थोड़ी देर में ये जो हमारी ट्रेन है यहाँ से रवाना होगी और मैं आप लोगों को पूरा व्यू दिखाऊंगा। दोस्तों अभी मैं फिलहाल आप लोगों को दिखाता हूँ मैं यहाँ पर कि यहाँ की साफ़ सफाई कैसी है, बाथरूम कैसे है, टॉयलेट कैसे हैं, वॉश बेसिन कैसे है, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं और अंदर की साफ़ सफाई दिखाता हूँ मैं। दोस्तों ये वॉशरूम, ये वॉश बेसिन जो कि काफ़ी मेंटेन है, अच्छी साफ़ सफाई है। और ये है यहाँ का टॉयलेट जो कि अच्छा है, साफ़ सुथरा है, बट वो एक चीज़ है जो कि सही से नहीं रखी हुई है, तो बाकी साफ सफाई अच्छी है और अंदर खुशबू भी अच्छी आ रही है। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ साफ़ सफाई को मैं फ़िलहाल मैं 5 में से मैं 4 पॉइंट दूंगा क्योंकि ऐसी साफ सफाई अच्छी है, बट 4 पॉइंट दूंगा मैं। और ये वॉश बेसिन भी, ये बाथरूम भी अच्छा है, साफ़ सुथरा है, बस वो जो है एक चीज़ जो है वो चीज़ में से लड़ा है, वो सही जगह नहीं रखी है, ज़मीन में रखी है, गंदी हो रही है, बाकी सब कुछ अच्छा है। फ़ैन भी लगा हुआ है। और दोस्तों ये मेरा सीट है, सीट नंबर 64, और ये अपर का सीट मेरा है और ये रहा नीचे का जो कि अच्छी साफ़ सफाई है। यहाँ दूसरे कोई एक है आने वाला है जब आया नहीं है। और ये यहाँ का इंटीरियर है, काफ़ी वेल मेंटेन है, तो यहाँ की भी साफ सफाई अच्छी है। जब तो ये है यहाँ इस कंपार्टमेंट का इंटीरियर, बहुत ही साफ सफाई यहाँ पर है, अच्छा वेल मेंटेन है। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन जो है यहाँ से निकल चुकी है, मैं आप लोगों को बनारस से आप लोगों को ट्रेन का दिखाता हूँ, मैं वहाँ का डिपार्चर आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म से बाहर निकल चुकी है और ये दोस्तों ये बनारस है, ये बनारस सिटी है दोस्तों। तो ये हमारी पूरी ट्रेन का व्यू है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी हम लोग धीरे धीरे लूप लाइन से मेन लाइन पर आ जाएंगे और हमारी ट्रेन एक्सीलेट करते हुए धीरे धीरे चलती रहेगी और पहुँचेगी वाराणसी जंक्शन, और वहाँ पर फिर मैं आप लोगों को वहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगा, वहाँ का अराइवल दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए हैं
वाराणसी जंक्शन, ये यहाँ का अराइवल। और दोस्तों अभी हमारा जो डिपार्चर है वो यहाँ से हो चुका है वाराणसी जंक्शन से। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से डिपार्चर, और फिर मैं आप लोगों को मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। तो वो सामने हमारे लगी है सद्भावना एक्सप्रेस, और वो रही एक हमारे सामने मुंबई महानगरी एक्सप्रेस, जो कि अभी आधे घंटे के बाद यहाँ से डिपार्चर होगी। वो हमारे पीछे पीछे वो भी मुंबई आएगी, वो जाएगी सीएसटी और हम जाएंगे एलटीटी। ये रही महानगरी एक्सप्रेस, हम लोग उससे भी आते हैं, मतलब मैं उससे भी ट्रैवल करता हूँ। जब कभी मैं उससे ट्रैवल करूँगा तो मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर दिखाऊँगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप भी थोड़ा इन्जॉय करिए।